नमस्कार। कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई, उसे लेकर पूरे देश भर में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। देश भर के डॉक्टर 24 घंटे की हड़ताल पे हैं, जो कि शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और आज रविवार सुबह 6 बजे तक चला। इस दौरान पूरे देश के सभी सरकारी अस्पतालों, उसके साथ साथ कई प्राइवेट अस्पताल भी हैं, जहां पर की ओपीडी सेवाएं ठप रहीं। बता दें तो वहीं इसी बीच सीबीआई इस मामले की तह तक जाने में जुटी है। जांच एजेंसी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से शुक्रवार को पूछताछ की। वहीं 35 ट्रेनी डॉक्टर जो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सभी लोगों को हिरासत में ले करके पूछने की तैयारी चल रही है। उधर सीबीआई ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें कि आरोपी संजय रॉय अस्पताल में मंडराता दिख रहा है। इधर जांच करी सीबीआई टीम ने, जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है संजय रॉय गुरुवार रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल पहुंचा था। यानी सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है संजय रॉय, जो 9 अगस्त की रात के 11 बजे अस्पताल आया था। वह अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट तक अस्पताल में ही रुकता है, यानी आधे घंटे तक संजय रॉय हॉस्पिटल में ही रुकता है। इस 30 मिनट में आरोपी संजय रॉय की जो मूवमेंट थी, जो उथल पुथल थी, वो अस्पताल में साफ साफ नजर आ रही है। इसके बाद संजय रॉय अस्पताल से बाहर चला जाता है, यानी आधे घंटे रुकने के बाद संजय रॉय अस्पताल से बाहर, यानी मेन गेट से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वह फिर दोबारा रात के 3:45 से 3:50 के बीच फिर अस्पताल में प्रवेश करता है और फिर सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो फिर दोबारा, यानी एक बार तो रात को 11 बजे हॉस्पिटल में प्रवेश किया था और तकरीबन आधे घंटे तक रुका था, लेकिन आधे घंटे रुकने के बाद फिर वो अस्पताल के मेन गेट से, यानी अस्पताल से बाहर चला जाता है। फिर दोबारा संजय रॉय रात के 3:45 यानी भोर होने वाला था उस समय, 3:45 और 3:50 के बीच अस्पताल में दोबारा प्रवेश करता है। फिर वह सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नजर आ रहा है। यानी सेमिनार रूम की तरफ जाता है तो तकरीबन 35 मिनट के बाद, यानी आधे घंटे के बाद, वह संजय रॉय सेमिनार रूम से बाहर निकल हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया के मुताबिक पीड़िता और उसके दोस्तों ने रात में तकरीबन 12 बजे खाना का ऑर्डर दिया था। वह खाना एक ऑनलाइन ऐप के जरिए मंगवाया गया था। कोलकाता पुलिस ने इस डिलीवरी बॉय के बयान भी दर्ज किए थे, जो डिलीवरी बॉय खाना लेकर अस्पताल पहुंचा था, उसके भी बयान दर्ज किए गए हैं। बता दें तो उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की जो मौत हुई थी, वो आखिरी बार खाना खाने के बाद, यानी खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद उसकी मौत हुई थी। सीबीआई ने उन चारों डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए गए हैं जिन्होंने मृतका के साथ रात में ऑनलाइन ऐप से खाना मंगवाकर साथ में खाया था, जिससे कि वारदात की पूरी टाइमलाइन कनेक्ट हो सके। बता दें तो पीड़िता के संपर्क में जितने भी लोग थे, यानी उस हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी, पीड़िता के साथी डॉक्टर थे, नर्स थे, उन सभी का बयान दर्ज किया जा रहा है और उन सभी को जाल में लपेट कर रखा गया है, जो कि पीड़िता से सीधे तौर पर सवाल जुड़े हुए हैं। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाली जा रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इसका मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसका मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाली जा रही है,
इसके साथ साथ उसकी मोबाइल लोकेशन को भी ट्रेस करके उस रात यानी 9 अगस्त की रात की सारी मूवमेंट को एनालाइज किया जा रहा है।